एक अच्छा कटिंग मास्टर बनने के लिए आपको एल स्केल का कौन सा पार्ट कहाँ यूज होगा इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है इरफान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IRF स्टूडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एल स्केल का एक एक पॉइंट बताऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एल स्केल, ये इसका शॉर्ट लेंथ है और ये इसका लॉन्ग लेंथ है। ये इसका शॉर्ट छोटा लेंथ है और ये इसका लॉन्ग लंबा वाला लेंथ है। तो सबसे पहले आप इधर से देखिए, जब इस तरफ से हम आएंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है HALVES, HALVES। और ये देखिए ये यहाँ 12 लिखा हुआ है, ये यहाँ से लास्ट ये पूरा इधर तक ये देखिए फिंगर रख के मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक। ये फ्रंट का आर्म होल यानी के सामना का हाला कटिंग में यूज़ होगा और ये स्लीव बाजू के कटिंग में यूज होगा। तो कैसे होगा ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके बाद जब आप इधर से इधर आते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है फोर्थ, FORTHS, फोर्थ। फोर्थ मीन्स होता है चौथा, लिखा हुआ है यहाँ FORTHS, फोर्थ। फोर्थ मीन्स चौथा, ये स्केल का फोर्थ पार्ट है, चौथा हिस्सा है। ये फ्रंट में यूज होगा और स्लीव में यूज होगा, सामना में और बाजू में। वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके बाद जब हम इधर आते हैं तो ये देखिए ये है एट, आठवां हिस्सा स्केल का एट पार्ट है ये, यहाँ लिखा हुआ है THS, एट्थ। ये स्केल का एट पार्ट है, आठवां हिस्सा है। और ये जो आठवां हिस्सा है ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ 12 और यहाँ 12। ये देखिए इसके अंदर में 2 इंच और ये 3 इंच, 2 और 3 लिखा हुआ है, ये एट पार्ट के अंदर में है, ये आठवां पार्ट है। और ये जो आठवां पार्ट है ये फ्रंट में यूज होगा और स्लीव में यूज होगा, सामना में और बाजू में। वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद जब हम इधर आते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 16th, ये स्केल का 16th पार्ट है, 16वां हिस्सा है। और ये जो 16वां हिस्सा है ये हमारा बैक में यूज होगा, तो ये कैसे होगा ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। हम स्केल को इस तरफ घुमा लेते हैं, देखिए इस तरह से। और आप यहाँ देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है 12, 12th, 12th स्केल का 12 पार्ट, 12वां हिस्सा। और ये जो 12वां हिस्सा है ये बैक में यूज होगा, फ्रंट में यूज होगा और स्लीव में यूज होगा। बैक में, सामना में और आस्तीन में यानी बाजू में, ये तीनों में यूज होगा। कैसे यूज होगा ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसके बाद जस्ट इसके बाजू में यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ 6th, ये स्केल का 6 पार्ट है, छठा हिस्सा है। ये जो छठा हिस्सा है बैक में यूज होगा और फ्रंट में यूज होगा, तो ये कैसे होगा ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और इसके बाद देखिए आप यहाँ से यहाँ आते हैं तो ये देखिए यह 12 लिखा हुआ है, ये 12 से और ये 12, ये देखिए यहाँ 12 और यहाँ 12, मैं फिंगर रख के दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक है स्केल का 6 पार्ट, छठा हिस्सा। इसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ लिखा हुआ है THIRDS, थर्ड्स, THIRDS, थर्ड्स। और ये जो थर्ड्स हैं ये देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है 12 और यहाँ 12, मैं फिंगर रख के आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से ये स्केल का थर्ड पार्ट है। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है THIRDS, थर्ड्स। ये जो थर्ड पार्ट है ये स्टमक यानी कि पेट, हिप एंड स्लीव यानी बाजू का कटिंग में यूज होगा। तो पेट में, हिप में और हमारा स्लीव बाजू का कटिंग में यूज होगा, ये तो कैसे होगा ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहाँ देखिए यहाँ से जो हम आते हैं यहाँ 13, 14, 15, 16, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2THIRDS। ये जो पार्ट है ये पैंट कटिंग के लिए है, चलिए मैं आपको रख कर दिखाता हूँ ये किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले हम बैक लेते हैं, देखिए ये एक बैक है, ये मैंने कोट कटिंग किया हुआ है, तो इस बैक को हम यहाँ इस तरह रख देते हैं। इस पर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको सही से समझ में आएगा। इसको हम ठीक से इस तरह से रख लेते हैं, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको लाइन से दिखाता हूँगा। देखिए इस तरफ से हम आएंगे, एक लाइन से मैं आपको दिखाता जाऊँगा, आपको समझने में भी ईजी होगा और मुझे समझाने में भी ईजी होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है HALVES, तो ये हमारा फ्रंट का हाला डाउन होगा और स्लीव में यूज होगा। कैसे होगा ये देखिए आप, जैसे कि ये देखिए ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें हमारा फ्रंट कटिंग हुआ है और ये हमारा बैक कटिंग हुआ है। तो ये जो फ्रंट का मार्किंग है ये कैसे डाउन करना है आर्म होल,
स्केल को इस तरह रखना है, और जितना चेस्ट है उसका हाफ यहाँ मार्किंग कर। चेस्ट अगर 40 है 40 तो यहाँ 20 20 पे लगाना है, चेस्ट अगर 42 है तो 21 पे लगाना है, चेस्ट 44 है तो 22 पे लगाना है, चेस्ट अगर 36 है तो यहाँ 18 18 पे लगाना है, चेस्ट अगर 38 है तो यहाँ 19 19 पे लगाना है। ये मार्किंग लगा के आपको यहाँ इस तरह स्ट्रेट मार्किंग लगा लेना है। इसमें हमारा फ्रंट कटिंग होगा। अब दोस्तों ये हमारा एक जगह और यूज़ होगा, वो है स्लिप में, बाजू का कटिंग में। तो चलिए मैं आपको एक लाइन से ही दिखाता हूँ, पहले बाजू दिखा देता हूँ। जैसा कि देखिए ये हमारा बाजू है, स्लिप का कटिंग है। यहाँ देखिए ये एक स्ट्रेट मार्किंग है, तो स्ट्रेट मार्किंग में जब हम इस तरह से स्केल को रखेंगे और ये जो हमारा बाजू जो कटिंग होगा, ये देख लीजिए मैं आपको ठीक से दिखा रहा हूँ, ये जो बाजू कटिंग होगा जितना चेस्ट है उसका हाफ यहाँ आपको मार्कर लगाना है। जैसे कि अगर चेस्ट 38 है तो यह 19 19 पे लगाना है, चेस्ट 40 है तो 20 पे लगाना है, जितना चेस्ट है उसका हाफ यहाँ मार्किंग करना है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये जो HALVES है ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कैसे यूज़ होगा ये मैंने दिखाया आपको। इसके बाद जब हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ है फोर, चौथा हिस्सा, और ये जो चौथा हिस्सा है ये फ्रंट में यूज होगा और स्लिप में यूज होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्लिप में ही दिखाता हूँ कि ये कैसे यूज होगा। देखिए इस तरह जब हम स्ट्रेट मार्किंग पे रख के और यहाँ जो हम मार्किंग लगाएंगे, इसके बाद यहाँ स्लिप में बाजू के कटिंग में ये जो 20 सेंटर आप देख रहे हैं, देखिए ये जो 20 सेंटर है और यहाँ देखिए इसका 20 सेंटर है, ये इस तरह से देखिए ये यहाँ है और ये यहाँ इसका मार्किंग है, 20 सेंटर है ये स्लिप का। तो ये जो स्लिप सेंटर है ये आपको स्केल का चौथा हिस्सा लगाना है, फोर्थ पार्ट लगाना है। तो जितना चेस्ट है उसका हाफ यहाँ आपको बीच में लगा देना है, जिन यहाँ लिखा हुआ है हाफ, चेस्ट 40 है तो 20 पे लगाना है, चेस्ट 38 है तो 19 पे लगाना है, चेस्ट अगर 36 है तो 18 पे लगाना है, जितना चेस्ट है उसका हाफ आपको यहाँ बीच सेंटर लगाना है, स्केल का फोर्थ पार्ट चौथा हिस्सा। अब दोस्तों ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो हमारा फ्रंट में भी यूज होगा, तो कैसे यूज होगा देखिए मैं आपको फ्रंट रख के दिखाता हूँ। इसको हम इधर रख देते हैं। उसके बाद देखिए ये एक स्ट्रेट मार्किंग है, स्ट्रेट मार्किंग में हम स्केल को इस तरह रखेंगे और ये रखने के बाद ये जो आप लेपल देख रहे हैं, ये जो लेपल है यहाँ जो आपको मार्किंग करना है इसका सेंटर, स्केल का फोर्थ पार्ट चौथा हिस्सा करना है। जितना चेस्ट है उसका हाफ आपको यहाँ मार्किंग करना है। SB कॉलर हो, DB कॉलर हो, टैक्सीडो हो, बंद गला हो, आपको ये चौथा पार्ट, स्केल का फोर्थ पार्ट चौथा हिस्सा यहाँ लगाना है। जितना चेस्ट है उसका हाफ यहाँ लिखा हुआ है, आपको यहाँ मार्किंग करना है। जैसा कि चेस्ट अगर 40 है तो 20 पे लगाना है, 20 पे, चेस्ट अगर 38 है तो 19 पे लगाना है, चेस्ट अगर 36 है तो 18 पे लगाना है, जितना चेस्ट है उसका हाफ आपको यहाँ मार्किंग लगाना है। उसके बाद आप देखिए ये स्केल का 8 पार्ट है, आठवां हिस्सा है, और ये जो आठवां हिस्सा है ये फ्रंट में यूज होगा और स्लिप में यूज होगा, सामने में और बाजू में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले फ्रंट में ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं ये फ्रंट कटिंग हुआ है, तो आपको स्केल का आठवां हिस्सा इसमें रखना है जितना चेस्ट है। जैसे कि चेस्ट अगर 40 है तो अब देखिए स्केल का 8 पार्ट का 20 आप इसमें रखेंगे और यहाँ आप इस तरह मार्किंग करेंगे। जितना चेस्ट है उसका हाफ आप आठवां हिस्सा स्केल का 8 पार्ट इस मार्किंग में रख के ऊपर आप मार्किंग करेंगे और ये हमारा यहाँ से गुलाई होगा। ये जो राउंड देख रहे हैं आप, इस राउंड का यहाँ सेंटर लगाने के लिए आपको स्केल का आठवां पार्ट यूज़ करना है। ये जो स्केल का 8 पार्ट है, आठवां हिस्सा है, ये स्लिप में यूज होगा, बाजू के कटिंग में यूज होगा। तो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं इधर रखता हूँ और ये देखिए ये हमारा स्लिप है और ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं, देखिए ये वाला मार्किंग, ये मार्किंग आपको स्केल का आठवां हिस्सा, स्केल का 8 पार्ट डाउन करना है। तो कैसे करना है देखिए, आप इस तरह से रखेंगे और यहाँ स्केल का आठवां पार्ट आप लगाएंगे। जितना चेस्ट है उसका हाफ आपको यहाँ लिखा हुआ है लगा देना है, चेस्ट अगर 40 है तो 20 पे लगाना है, चेस्ट अगर 38 है तो यहाँ देखिए 18 और 20 के बीच में एक पॉइंट है तो ये 19 है, यहाँ लगाना है। तो जितना आपका चेस्ट है उसका हाफ यहाँ लिखा हुआ है, स्केल का आठवां हिस्सा ये मार्किंग लगा के और यहाँ आपको इस तरह से मार्किंग खींच देना है, मार्किंग लगा लेना है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ है 16th, स्केल का 16वां हिस्सा, 16 पार्ट, और ये जो 16वां हिस्सा है
ये बैक में यूज होगा, बैक का डिक उठाने में यूज होगा। तो ये कैसे यूज होगा, ये मैं आपको जब कॉलर का मार्किंग लगाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। तो इसको मैं पेंडिंग रखता हूँ, इसको हम पेंडिंग रखते हैं, इसको मैं आपको जब कॉलर का मार्किंग लगाएंगे तब दिखाऊंगा। स्केल को इस तरह से घुमा लेते हैं, ये देखिए, और आप यहाँ देखिए, यहाँ है 12वां हिस्सा स्केल का, 12 पार्ट, और ये जो 12 पार्ट है बैक में, फ्रंट में और स्लीव में, तीनों में यूज होगा। तो ये कैसे यूज होगा, सबसे पहले मैं आपको स्लीव में ही दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ स्लीव हमारा रखा हुआ है। ये जो देखिए, ये यहाँ से एक इस तरह, ये क्रॉस मार्किंग है इस तरह से, और इसके बाद यहाँ देखिए, ये जो ब्रॉड है, ये जो ब्रॉडनेस है, ये जो राउंडिंग का, ये जो आपको यहाँ से लगाना है, ये स्केल का 12वां हिस्सा लगाना है। जैसे इस तरह से स्केल रखना है, जितना चेस्ट है उसका 12वां हिस्सा आपको यहाँ लगा के, और फिर आपको यहाँ राउंडिंग करना है। ये जो हमारा राउंडिंग है, ये आपको स्केल का 12वां हिस्सा स्लीव में यूज करना है। उसके बाद ये हमारा बैक में भी यूज होगा, फ्रंट में यूज होगा। तो मैं आपको बैक रख के दिखाता हूँ, उसके बाद फ्रंट रख के दिखाऊंगा। ये हमारा बैक है, और आप देखिए स्केल का 12वां हिस्सा, ये जो बैक कटिंग है, यहाँ से आपको ऊपर 12वां हिस्सा लगाना है, और ये जो शोल्डर डाउन आप मार्किंग देख रहे हैं, ये वाला, ये इस मार्किंग से स्केल का 12 पार्ट नीचे डाउन करना है, 12वां हिस्सा आपको नीचे लगाना है। कैसे लगाना है देखिए, यहाँ आप इस मार्किंग में ऐसे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ स्केल का ये जो 12वां पार्ट है, ये आपको लगाना है। जितना चेस्ट है उसका हाफ यहाँ लिखा हुआ है, आपको लगा देना है। चेस्ट 40 है तो 20 लगाना है, जितना चेस्ट है उतना लगा के, और आपको ये मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। ये हमारा शोल्डर डाउन के लिए हो जाएगा। ये जो चेस्ट का मार्किंग है, यहाँ से आपको स्केल का 12वां हिस्सा ऊपर उठाना है। ये जो मार्किंग है, ये जो हमारा बैक कटिंग होगा, ये स्केल का 12वां हिस्सा फ्रंट से ऊपर उठाना है बैक के लिए। जितना चेस्ट है आपको रख देना है, और ये मार्किंग लगा के, और इस तरह से ये मार्किंग खींच लेना है, लगा लेना है, लगा लेना। उसके बाद आप देखिए, यहाँ है स्केल का 6/6 पार्ट, स्केल का 6ठा हिस्सा, 6 पार्ट, और ये हमारा बैक में भी यूज होगा और फ्रंट में भी यूज होगा। तो कैसे यूज होगा देखिए, आप देखिए, ये जो हमारा मार्किंग है, ये जो मार्किंग है, यहाँ आपको स्केल को इस तरह से रखना है, और यहाँ आपको कॉलर के मेज़रमेंट से नहीं, नेक के मेज़रमेंट से नहीं, चेस्ट के मेज़रमेंट को फॉलो करना है। चेस्ट जितना है उसका हाफ यहाँ लिखा हुआ है, स्केल का 6 पार्ट आपको मार्किंग करना है। चेस्ट जैसे कि मान लीजिए 40 है, तो यहाँ 20 पे स्केल का 6ठा हिस्सा का 20 पे आपको इस तरह रखना है, और ये मार्किंग लगाना है। जितना चेस्ट है उसका हाफ यहाँ है, आपको इस तरह रख के मार्कर लगा लेना है इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये जो 16 पार्ट है, मैं आपको बताऊँगा जब कॉलर का मार्किंग लगाऊंगा। तो यहाँ से ये जो ऊपर उठाना है, ये स्केल का 16 पार्ट, 16वां हिस्सा आपको उठाना है। तो कैसे उठाना है, स्केल को आपको इस तरह घुमा लेना है। यहाँ देखिए, ये जो 16 पार्ट है वो 2 पार्ट में है, यहाँ आप देख लीजिए क्लियर, एक इस तरफ है और एक ये इस तरफ है। तो इस तरफ जो है 12, 16, 20, 12, 16, 20, इसके बीच में एक एक पॉइंट है। देखिए, ये जो पॉइंट है, ये इंच में आपको काउंट करना है, यानी इंच में गिनती करना है। तो जैसा कि जितना चेस्ट है उसका हाफ आपको यहाँ लगाना है। तो इस मार्किंग में आपको इस तरह से रखना है, जैसा कि चेस्ट अगर 40 है तो यहाँ देखिए 20 है, 20 आपको यहाँ इस तरह लगा के, और यहाँ आपको इस तरह मार्कर लगा लेना है। चेस्ट अगर 42 है तो 20 के बगल में एक पॉइंट है, तो यहाँ आपको इस पॉइंट में इस तरह रखना है, ये लगा लेना है। तो जितना आपका चेस्ट है उसका हाफ यहाँ है, मार्किंग आपको लगा के, उसके बाद आपको यहाँ आपको इस तरह राउंड कर लेना है। उसके बाद देखिए, ये जो 6 पार्ट है, ये हमारा फ्रंट में भी यूज होगा। तो कैसे यूज होगा देखिए, इसको हम इधर रख देते हैं और फ्रंट को इधर वापस लाते हैं। तो ये हमारा फ्रंट है, स्केल को आपको इस तरह रखना है, और ये रखने के बाद ये जो हमारा कॉलर डाउन हो रहा है, ये आपको स्केल का 6 पार्ट लगाना है, 6ठा हिस्सा आपको लगाना है। जितना चेस्ट है उसका हाफ आपको यहाँ लगा देना है, स्केल का 6ठा पार्ट का। 40 है तो 20 पे लगाना है, 38 है तो 19 पे लगाना है, 36 है तो 18 पे लगाना है। जितना चेस्ट है उसका 6ठा पार्ट यहाँ आपको लगा के, और फिर देखिए आपको यहाँ क्रॉस करना है। अब दोस्तों, ये जो क्रॉस करना है, यहाँ से जो हमारा डाउन होगा वो स्केल का 12वां हिस्सा डाउन होगा, 12 पार्ट डाउन होगा। देखिए, जैसा कि ये 12 पार्ट है,
बारहवां हिस्सा, मैंने आपको बताया था ये फ्रंट में भी यूज होगा। तो यहाँ से देखिए, जब ये जो स्ट्रेट मार्किंग में आप इस तरह रखेंगे और यहाँ आपको ये जो डाउन करना है स्केल का बारहवां हिस्सा लगाना है, जितना चेस्ट है उसका बारहवां हिस्सा यहाँ आपको लगा देना है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से स्केल का छठा पार्ट आपको लगाना है और फिर इसको इस तरह इस मार्किंग में क्रॉस कर देना है इस तरह से। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद यहाँ आता है थर्ड स्केल का थर्ड पार्ट, तीसरा हिस्सा। और ये जो थर्ड पार्ट है ये हमारा पेट के कटिंग में यूज होगा, स्टमक में, हिप में और स्लीव में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैक रख के, इसको फ्रंट को हम रख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये जो फ्रंट बैक, ये देखिए, ये इसका बैक है और ये स्लीव है। इस कोट को मैंने ए टू जेड स्केल थ्योरी से कटिंग किया है। इस वीडियो को मैं 2 से 3 दिन में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। इस वीडियो को मैं एक पार्ट में अपलोड करूंगा, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लंबा होगा। कोट कटिंग को लेकर आप लोगों के मन में जितने भी डाउट है सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। बॉडी लूजिंग मेजरमेंट करके दिखाऊंगा, नम नाप के दिखाऊंगा। इस वीडियो को अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो आप स्केल थ्योरी के कंप्लीट कोट कटर मास्टर बन जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। ये वीडियो 2 से 3 दिन में अपलोड कर दूंगा। अब चलिए मैं आपको स्केल का थर्ड पार्ट, तीसरा हिस्सा लगा के दिखाता हूँ, स्टमक में और हिप में किस तरह लगाया जाता है। तो स्लीव और फ्रंट को हमने हटा दिया है और बैक को हम इस तरह से बिछा देंगे। ये हमारा स्टमक है, पेट का मार्किंग, ये देखिए, ये थर्ड पार्ट है स्केल का तीसरा हिस्सा। और ये जो थर्ड पार्ट है हम स्टमक और हिप में लगाएंगे, ये हमारा पेट है। और इस तरह आपको स्केल को रख देना है और यहाँ आपको चेस्ट के मेज़रमेंट से नहीं, पेट के मेज़रमेंट से, स्टमक का मेज़रमेंट से लगाना है। जितना पेट है उसका थर्ड पार्ट लगाना है और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन देना है। इस तरह से रख लीजिए और जैसा कि मान लीजिए पेट 30 है तो 15 पे लगाएंगे और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन देंगे। अगर हमारा पेट 32 है तो यहाँ 16 पे लगाएंगे, और अगर हमारा पेट 34 है तो 17 पे लगाएंगे और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन देंगे। जितना पेट है उसको थर्ड पार्ट लगा के हाफ इंच सिलाई के लिए मार्जिन देना है। अब हम हिप का मार्का लगाएंगे, तो हिप का मार्का कैसे लगाना है देखिए, इसका थर्ड पार्ट तीसरा पार्ट हम लगाएंगे। तो ये देखिए आप, इस वाले मार्किंग से यहाँ हम रख देंगे, मान लीजिए जितना हिप है उसका आपको लगा के आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन देना है। जैसे कि हिप अगर 38 है, 38 तो 19 पे लगाएंगे, आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन देंगे। जितना हिप है आपको थर्ड पार्ट यहाँ इस मार्किंग में रख देना है, मार्का लगा के हाफ इंच सिलाई के लिए मार्जिन दे देना है। अब ये जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हमारा एक जगह और यूज होगा, वो होगा स्लीव बाजू का कटिंग में। तो कैसे होगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से हम स्लीव को ले लेंगे और ये लेने के बाद आप देखिए, ये नीचे हमारा बॉटम है, ये बॉटम है, ये देखिए इस तरह से हमारा बॉटम का मार्किंग है ये। और ये हमारा मिडल में एक स्ट्रेट मार्का है, ये मिडल में। तो ये जो मिडल में मार्का है यहाँ से आपको स्केल का थर्ड पार्ट तीसरा हिस्सा लगाना है, इस तरह से आपको रख देना है। और जितना चेस्ट है उसका आपको लगा लेना है, जैसे चेस्ट 40 है तो इस तरह 20 पे लगाना है, चेस्ट अगर 38 है तो यहाँ 19-38 पे लगाना है। जितना चेस्ट है उसका आपको थर्ड पार्ट यहाँ लगा देना है, ये जो थर्ड पार्ट है ये वाला। अब ये जो थर्ड पार्ट है ये हमारा एक जगह और यूज़ होगा, तो देखिए इसको हम नीचे कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, और यहाँ देखिए ये जो हमने डाउन किया है इसका स्लीव का आर्मोल जो डाउन है ये वाला, ये आपको स्केल का थर्ड पार्ट डाउन करना है। तो कैसे करना है देखिए, इस तरह से हम स्केल को रख लेंगे और यहाँ स्केल का थर्ड पार्ट आपको लगा देना है। जितना चेस्ट है उसका थर्ड पार्ट लगा देना है, जैसा कि चेस्ट अगर 40 है तो 20 पे लगा देंगे, चेस्ट अगर 42 है तो 21 पे लगा देंगे, जितना चेस्ट है उसका हाफ आपको लगा देना है। स्केल थ्योरी से कैसे कोट कटिंग करना है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक एक पॉइंट बताया है। अगर फिर भी एल स्केल थ्योरी को लेकर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो 2 से 3 दिन में मैं कोट कटिंग का वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को फुल ए टू जेड एल स्केल थ्योरी से कोट कटिंग करके दिखाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।